तो गाइस चाय बना लिया है, देखो प्रज्वल भी चाय पी रहा है। चाय के लिए लड़ाई हो रही थी अभी हमारी, कौन सी गिलास किसकी है। और ये देखो पुष्पा के लगी है चोट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो रेडी हो गए और निकलते हैं ऑफिस के लिए और चल के करते हैं काम, क्योंकि बहुत सारे काम है जो करने वाले। तो उठा लेते हैं अपना बैग टांगे और उठा लिया है मास्क और अब चलते हैं ऑफिस के लिए। गाइज आज भी लेट हूँ बहुत ज़्यादा और आज भी बस जो है मुझे वहीं से पकड़नी पड़ेगी और जितना फिर जाना मुश्किल है, फिर पैसा खर्चना ना अच्छा नहीं लगता। और जो किराया 100 रुपये हो जाता है एक तरफ का, तो इतना तो कमाई नहीं होती जितना पैसा लग जाता है आने जाने में। पहुँच गया हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे देखते हैं अब हमारी बस आएगी पीछे से और आगे। तो आ गया हूँ ऑफिस से काम करके, इस समय लगभग 6 बज रहे हैं शाम के और थक गया हूँ यार बुरी तरह से। आजकल एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा काम है ना, पेपर बन रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली, सारा मिक्स करके वो एक पेपर बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है आजकल। तो चलो काम तो करना ही है ना, काम तो करना ही चाहिए, बिजी रहना चाहिए इंसान को, है ना। तो इसलिए वो कोई परवाह नहीं है। अब ऑटो मिल जाए तो बस, एक्चुअली आजकल ऑटो वाले ना ज़्यादा पैसे मांगने लगे, पता नहीं क्यों मांगने लगे। अभी देखते हैं पीछे से एक ऑटो आ रहा है, ऑटो पकड़ लेंगे और फिर जाएंगे घर और देखते हैं घर में आज क्या है। पुष्पा को भी एक्चुअली चोट लगी है, उसके सिर में यहाँ पे लगी है, एक्चुअली पैर पूर फंस गया सवेरे उसका सूट में और वो गिर गई, और गिरी तो फिर सिर के बाहर गिरी और सीधा फर्श पर लगा है और उसका सूज गया। अब घर जाके देखता हूँ कैसी हालत है। सुबह तो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था सच में, मैंने सोचा कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, पर भगवान की शुक्र है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई है। तो जाकर देखते हैं क्या हाल है पुष्पा जी का और ऑटो मिल जाए यार कोई। अभी यहाँ से ऑटो नहीं मिलता, फिर उसके बाद 17 से वहाँ पे भी ऑटो नहीं मिलेगा, इतना तो पैदल ही चलना हो जाता मेरा, क्या करें यार। और आज मौसम भी ठीक है, मतलब गर्मी वैसी गर्मी तो नहीं है लेकिन गर्मी तो है, धूप अच्छी खिली हुई है, दिख ही रहा होगा आपको। और कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है यार, ये तो मैं सीधा चौक पे पहुंच गया, एक चौक 1 किलोमीटर तो हो गया, अब 1 किलोमीटर और रह गया, इसके बाद 17 आ जाएगा। चलो फिर भी ऑटो मिल जाए तो बेटर है, पैर थक जाते हैं यार मेरे। भाई इस तरफ बिल्कुल साफ़ है और उस तरफ से देखो बादल छा रहे हैं, हो सकता है कि बारिश, और हो सकता है कि बारिश हो जाए बहुत तेज़ वाली। ऑटो पकड़ो सतारा भी पे। तो गाइस पहुंच गया सतारा में और मौसम थोड़ा सा हो रहा है, ये देखो बादल से लगे हुए हैं इधर से भी और इधर को भी सूरज छुप रहा है और शायद बारिश ना हो जाए, क्यों आपको क्या लगता है हो जाएगी बारिश। फिलहाल चलो ऑटो देखते हैं ऑटो। हे गाइस तो घर पहुंच गया हूं और बना लिए चाय मैंने। ओह मेरी चाय कौन सी, ये मेरी है, मेरे गिलास, ये मेरे, ये तेरा है, ठीक है। तो गाइस चाय बना लिया है, देखो प्रज्वल भी चाय पी रहा है, चाय के लिए लड़ाई हो रही थी अभी हमारी, कौन सी गिलास किसकी है। और ये देखो पुष्पा के लगी है चोट, ये देखो आग कितनी सूज गई है। ओ और पुष्पा को भी मैंने चाय बना के दे दी है। अभी तो घट गया सुबह से घट गया, आराम दवाई ले रही ना, तो दवाई लेके आई और उसके बाद दवाई से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, देखो ठीक हो जाएगा। वैसे सूजन तो अभी भी दिख रही है, देखो इस आँख के पास देखो। ये क्या क्या लाए, कौन लाया, बर्थडे का? माय गॉड किसके बर्थडे का? मेरा बर्थडे। अच्छा हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है आदित्य, उसका है बर्थडे और देखो उन्होंने दिया है केक और मिठाई, वाह। और ये देखो इसने खा भी दिया एक, और प्रज्वल ने तुमने भी खा लिया, देखो तूने खाया पुष्पा? मैं खाऊंगा थोड़ा सा, क्या चीज़ है देखो खाना आ गया। ये देखो दाल भी है और ये आज लंगर का प्रसादी है, ये क्या है, मटर और आलू मटर है, आलू मटर है। और देखो आज हमने
एक्चुअली आज हमने सब्जी बनाई नहीं है, तो ये लंगर से प्रसाद आ गया था हमारे लिए गुरुद्वारे से, ये देखो, और ये प्रसाद था, ये देखो रोटियां भी वहीं की है। और हमने कहा फिर पता क्या, ये तो प्रसाद है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए और खाओ इसको मज़े से। ये देखो पुष्पा भी वही खा रही, सभी वही खा रहे हैं। और लेकिन दोपहर को देखो ये थोड़े से चावल मेरे लिए बचा रखे इन्होंने, तो मैं थोड़े चावल भी खाऊंगा ना, बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाए, 4-5 दिन तो गई है शायद, नहीं 4-5 पता नहीं, 2-3 दिन हो गए होंगे। तो चलो फटाफट से मैं करता हूँ डिनर। ये देखो दिखने में तो अच्छा ही लग रहा, खाने में भी अच्छा ही होगा यार, गुरुद्वारे का प्रसाद है ना, गुरुद्वारे का प्रसाद है, अच्छा टेस्टी। लो जी पुष्पा ने पास कर दिया टेस्टी। चलो मैं भी कर लेता हूँ डिनर, और उसके बाद ये देखो एडिटिंग करेंगे। और होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड नाइट। तो दाल तो गाइस